अस्सलाम हाजिर यूट्यूब के साथ आप देख रहे हैं पाक जॉब सर्लेट जी। तो हाजिर हूँ एक न्यू जॉब अपडेट के साथ जी। तो पाक फ़ौज में भर्ती जो कि सिंध के मुख्तलिफ अज़ला के लिए अनाउंस की गई है। तो पाक फ़ौज की जो टीम है मुख्तलिफ अज़ला में जो गश्त करेगी और वहाँ से जो कि अपनी रिक्वायरमेंट भर्ती करेगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कहाँ पर यह भर्ती होनी है, तो दफ्तर यहाँ पर आप चेक कर लें। पाक फ़ौज में भर्ती सिंध के ज़िला लाड़काना शिकारपुर दादू कश्मोर के कच्चे इलाके से मुदरजा झील प्रोग्राम के मुताबिक की जाएगी। मतलब आप इन ज़िला के अगर करीब हैं तो आप वहां पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के भर्ती हो सकते हैं, अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट पर पूरे उतरते हैं तो। अगर इनकी जो रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो नीचे मैं आपको पूरी काबिलियत और कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उससे पहले मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ तो आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक आपको पहुँच सके जी। तो नीचे चलते हैं नोटिफिकेशन और ये जो एडवर्टाइज है इसकी तरफ जी। तो यहाँ पर आप देखें तो 25, 26, 27 मई 2021 तहसील म्यूनसिपल कमेटी डोकरी में जो भर्ती होगी। और नीचे आप देखें सेकंड पर तो ये जो जून 2, 3, 4 जून 2021 तहसील म्यूनसिपल कमेटी गढ़ी यासीन में इसकी जो भर्ती होगी टाइम टेबल लिखा गया है। और नीचे 3 नंबर पर देखें तो 6, 7, 8 जून 2021 तहसील म्यूनसिपल कमेटी जोही में इसकी जो रजिस्ट्रेशन भर्ती होगी। और नीचे देखें 9, 10, 11 और 12 जून 2021 तहसील म्यूनसिपल कमेटी तंगवानी में इसकी जो भर्ती होगी। और नीचे मैं आपको बताऊंगा कि काबिलियत और भर्ती के लिए कौन से आपने वहां पर डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी तफसील इसी वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखें जी। तो यहाँ बात की जाए काबिलियत की तो काबिलियत जो तालीम में मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और उम्र की हद जो कि 17.5 साल से 23 साल होने ज़रूरी है। अगर आपकी 17.5 साल है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको बेफर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने बेफर्म अपना बनवा कर ही इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप भर्ती के लिए। और नीचे आप देखें तो BA BSc के लिए उम्र 17.5 से 24 साल, मतलब 1 साल की जो रियायत दी गई है BA और BSc वालों को। तो नीचे आप कद देखें तो इसका जो कद रखा गया है 5 फुट 6 इंच रखा गया है इसका कद। और भर्ती के लिए कौन से आपने यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ लेकर जाने हैं साथ, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप देखें तो PRC और डोमिसेल अपना लेकर जाना है और असली तालीमी इस्तादा मैट्रिक और उससे ज़्यादा, मतलब जो भी आपके पास आपकी काबिलियत है तो वो ओरिजिनल आपने वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेंटर मैंने ऊपर बता दिए हैं, तो वहाँ पर आपने इनको ले जाना है। और नंबर 3 पर देखें तो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड और फॉर्म भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो 18 साल से कम उम्र के लिए ही जो बे फॉर्म सिस्टम रखा गया है, और वालिद के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एक जमानती की शनाख्ती कार्ड कॉपी। मतलब आप एक अपने वालिद की कार्ड की कॉपी ले लें, एक अपने मामू या चाचू किसी की भी मतलब जमानत तौर कार्ड की कॉपी लेकर जाएं। और ये तस्वीर कुछ 4 अदद आपने ब्लू तस्वीर लेके जाने, ब्लू बैकग्राउंड, और कम से कम 4 मोबाइल नंबर आपने लेकर जाने हैं। मतलब अगर आपके भाई के 2 नंबर हैं और एक नंबर आपका और एक आपके अब्बू का, तो वो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान वही नंबर दिया करें जो हमेशा ऑन हो, ताकि अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट या फिर मेडिकल वगैरह का मैसेज आता है तो आपको रिसीव हो और आप उसी टाइम ही बिना टाइम वेस्ट के वहाँ पहुँच जाएँ। और ये रजिस्ट्रेशन और ये पाक फ़ौज और जो रेंजर्स हैं तो उसमें यही सिस्टम है कि उनकी स्लिप वगैरह PTS जैसे अपलोड करती है या NTS वगैरह, तो ऐसे नहीं होती। तो इसका मैसेज और कॉल सिस्टम है, तो अपने नंबर ऑन रखिएगा
और उसी पर ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने इसमें अभी तक आपको एडवर्टाइज नहीं मिला पार्क रेंजर्स का, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर अगर आप रेंजर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल्स वहाँ से आप जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी समझ आ चुकी होगी। और अगर आप इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई भी आपका मतलब सवाल है, तो आप मदरजा जेल इन नंबरों पर कॉल करके वो प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे नंबर दिए गए हैं, तो आपने इसी नंबरों पर कॉल करके जो ऑफिशियल पाक फ़ौज के नंबर हैं, तो इन पर ही रब्ता करके इन दफ्तर के इन सेंटर्स का, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव जॉब्स वीडियो मेरी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें।